पहले मायावती जी और अब उनके भतीजे आकाश आनंद जी, ये कोई भी मौका इंडिया गठबंधन को कोसने का नहीं छोड़ते हैं। कह रहे हैं कि संविधान बचाओ एक झूठ है। अरे भाई, लेटरल एंट्री क्या सच नहीं है? क्या तमाम तरीके के जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्थाओं को खत्म करने की साजिश हो रही है वो क्या सच नहीं है? क्या आरक्षण नहीं बचाना चाहिए या संविधान नहीं बचाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आपको काम करना है आकाश आनंद, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, नल का, नील का, कोल का, भील का आरक्षण बचाना चाहते हैं तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को कोसने से आपको काम नहीं चलेगा। आज की डेट में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है जो लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने चश्मे का भी नंबर बदलिए और दृष्टि दोष भी ठीक कीजिए। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इनका, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतागण कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों आरक्षण के मामले को लेकर, आरक्षण की समीक्षा को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो बातें सामने आई है उसमें कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। ना कांग्रेस ने इस रिजर्वेशन में, इस SC ST के कोटे में उपवर्गीकरण का विरोध किया, ना ही क्रिमिलियर का विरोध किया, ना ही 21 अगस्त के भारत बंद का समर्थन किया। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने कई सवाल कांग्रेस को पूछे। ये पूछा कि जब वोट लेना था तब वोट ले लिया, लेकिन जब बहुजन समाज के लोगों को जरूरत पड़ रही है तब कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। और इसी बात को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर हमला किया जा रहा था। इसी बीच आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, इनका भी बयान जारी हुआ और उन्होंने भी कांग्रेस पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने एक ब्लू बुक भी जारी कर दी। उस ब्लू बुक के माध्यम से भी कांग्रेस का सारा दलित विरोधी चेहरा लोगों के सामने लाने का बड़ा प्रयास किया गया और लगातार बहुजन समाज पार्टी यह बताने की कोशिश भी कर रही है कि कांग्रेस ने कैसे ही बहुजन समाज के लोगों को, खासकर SC ST को ठगा है। उसके बाद पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने इस प्रतिक्रिया में देखा, क्या कहा सुरेंद्र राजपूत इन्होंने, सुरेंद्र राजपूत इनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, बहुजन समाज पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि भाजपा की बी टीम, जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता और जब वो SC ST के रिजर्वेशन के मामले को लेकर जब उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ, ना राहुल गांधी का कोई बयान आया, ना ही सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया उसमें भी उन्होंने इस उपवर्गीकरण का ना समर्थन बताया, ना ही उसका विरोध बताया और SC ST के साथ खड़े होने की कोई बात कही। क्रिमिलेयर के मामले को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि अभी वो चर्चा कर रहे हैं, अभी उन्हें तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। इसका मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस का ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर कांग्रेस का समर्थन था, इस आरक्षण की समीक्षा को लेकर कांग्रेस का समर्थन रहा, SC ST में उपवर्गीकरण को लेकर कांग्रेस का समर्थन देखने को मिला, क्रिमिलेयर को लेकर भी कांग्रेस का समर्थन देखने को मिला। भले 21 अगस्त को भारत बंद पूरे SC ST के लोगों ने किया, कांग्रेस का समर्थन नहीं था। इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस को सवाल पूछा जा रहा था। उसके बाद जवाब में सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, पहले मायावती जी और अब उनके भतीजे आकाश आनंद जी, ये कोई भी मौका इंडिया गठबंधन को कोसने का नहीं छोड़ते हैं। कह रहे हैं कि संविधान बचाओ एक झूठ है। अरे भाई, लेटरल एंट्री क्या सच नहीं है? क्या तमाम तरीके के जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्थाओं को खत्म करने की साजिश हो रही है वो क्या सच नहीं है? ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ये बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वह कांग्रेस पर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए। बहुजन समाज के लोगों ने इस देश के अंदर, जो कांग्रेस कहीं पर भी नहीं थी,
लोकसभा में, उसे लोकसभा पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, आज की तारीख में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अगर कोई है तो वह कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है। और जब ओड एससी एसटी के लोगों ने कांग्रेस को दिया है तो सवाल किससे पूछेंगे। और बहुजन समाज पार्टी लगातार जब सवाल कर रही है कि एससी एसटी आरक्षण मामले को लेकर, एससी एसटी उपवर्गीकरण को लेकर, एससी एसटी के क्रिमिनलर को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, तो कांग्रेस बोल नहीं रही है। और अब उनके ये प्रवक्ताओं के माध्यम से उल्टे सीधे बयान जारी हो रहे हैं, जिसको लेकर अब जो कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया दी है, वह प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि जिस प्रकार से इतिहास में कांग्रेस जातिवादी और जातिवादी सोच से ग्रसित थी, आज भी कांग्रेस जातिवादी सोच से ही ग्रसित है। एससी एसटी के उपवर्गीकरण को लेकर आखिर कांग्रेस की बोलती बंद क्यों है, क्यों नहीं पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने एससी एसटी के क्रिमिनलर को लेकर क्या कोई पिटीशन दायर की है, क्या इसके विरोध में कोई पिटीशन दायर की है, या फिर कांग्रेस ने जिस अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, उस अधिवक्ता ने आखिर आरक्षण के समर्थन में पैरवी क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल कांग्रेस से क्यों ना पूछे जाए, जब कांग्रेस ने ये कहा था कि वो आरक्षण बचाएंगे, कांग्रेस ने कहा था कि वह संविधान बचाएंगे, तो अब क्यों नहीं बचा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। आरक्षण इस देश की संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए किया गया एक बड़ा प्रयास है, और इस बड़े प्रयास को रोकने की साजिश हो रही है। बहुजन समाज के लोग जो है उनका प्रतिनिधित्व ना आ सके, बहुजन खासकर एससी एसटी का प्रतिनिधित्व, इस प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए ये तमाम बातें कही जा रही है। और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी और से प्रणित एनडीए गठबंधन पर बड़े सवाल हो रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि उनको सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ चाहती है कि वह बहुजन समाज के लोगों का वोट ले और वोटों से वह जो है वह शासन सत्ता में कुर्सी पर बने रहे। आज विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई है। यही जब दलित वोट, यही जो आदिवासी, यही एससी एसटी वोट जब कांग्रेस के पास नहीं था, तब कांग्रेस लोकसभा में दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। आज अगर कांग्रेस लोकसभा में देखने को मिल रही है, इसके पीछे एससी एसटी का वोट ही सबसे बड़ा कारण है। बता दें कि संविधान बचाने के लिए वोट लिया गया था, लेकिन आरक्षण को बचाने के लिए वोट लिया गया था, लेकिन आरक्षण को नहीं बचाया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से। बता दें कि जब ये 1 तारीख को फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के हवाले से जब फैसला आया, तो यह अधिवक्ता तो भेजा नहीं एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए, और जिसे भेजा उन्होंने इनके विरोध में पैरवी की। वही दूसरी तरफ इसका जब फैसला आने के बाद कांग्रेस के इतने लोकसभा के सदस्य है, उनमें से किसी ने भी संसद के अंदर आवाज नहीं उठाई। 9 तारीख तक संसद के अंदर आवाज नहीं उठाई गई, तो इससे यह समझ आता है कि कांग्रेस सदन में तो पहुंच गई एससी एसटी के वोटों के कारण, लेकिन एससी एसटी के रिजर्वेशन को बचाने की मंशा बिल्कुल भी नहीं रखती है। यही जो बात है आज के तारीख पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर कांग्रेस का यह जो रवैया है ऐसा क्यों है। देश के अंदर लगातार रिजर्वेशन को लेकर एक तरह से नकारात्मक और नेगेटिव परसेप्शन तो बनाया गया ही, ना सिर्फ नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया बल्कि इन्हें इनकी भागीदारी पर रोक लगाने के लिए लैटरल एंट्री जैसे साधनों का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि रामजी गौतम इनके ट्विटर हैंडल से एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। रामजी गौतम इन्होंने बताया है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से लेटरल एंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 2007 से आरक्षण नियमों का को दरकिनार करते हुए अभी तक 2700 साइंटिस्ट भर्ती की, कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग एससी एसटी ओबीसी को उनका हक नहीं देना चाहते, सरकार इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और आरक्षण के नियमों से इस भर्ती को किया जाए, एससी एसटी ओबीसी को उनका हक दिया जाए।
तो ये सरकार से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से 2007 से लेकर जब भी रिक्रूटमेंट हो रही हैं, वह सारी की सारी लेटरल एंट्री से हो रही हैं, जिसमें रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और आज की तारीख में भी इसी प्रकार की बात जो है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से देखी जा रही है। और अभी जो 2700 साइंटिस्ट की भर्ती हो रही है, उन तमाम भर्तियों में SC ST के रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ये बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम। और उन्होंने ये तस्वीरें भी साझा की है जहां पर जिस प्रकार से साइंटिस्ट की भर्ती के लिए SC ST के OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह जगह नहीं है, यहाँ नियमों का पालन नहीं किया गया। और साथ ही ये भी बताया कि लैटरल एंट्री से भर्तियां हो रही हैं। वही बता दें कि हंसराज मीणा इनके हवाले से एक घटना निकल कर आ रही है। इस देश को क्या हो गया, किस प्रकार से नफरत की आग है वो लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राजस्थान से होकर यह सांप्रदायिक नफरती आग अब हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पहुंच गई है। आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इन विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक सांप्रदायिक घटनाओं का भी अंबार देखने को मिल रहा है। बता दें कि हंसराज मीणा इनके हवाले से एक तस्वीर साझा की गई है, यह वीडियो था और यह वीडियो हरियाणा के चरखी दादरी जिले का है, जहां पर साबिर मलिक नामक एक प्रवासी व्यक्ति को गोमांस खाने के संदेह में मात्र पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाले जो लोग हैं उन्हें गोरक्षक बताया जा रहा है। तो ऐसे अपराध संविधान का उल्लंघन करते हुए इन्होंने लिखा है कि ऐसे अपराध न केवल संविधान का उल्लंघन करते हैं बल्कि समाज के अंदर भी एक सांप्रदायिक माहौल को तैयार करते हैं। तो ये हंसराज मीणा इनके हवाले से ये ट्वीट है, और उस ट्वीट को आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ तस्वीरें आप देखिए, ये NDTV की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे दो युवकों के साथ भीड़ में जो गोरक्षक के नाम पर लोग इकट्ठा हुए, और उनका ये कहना है कि गोमांस का उनको शक था, बीफ का शक था, और इस शक के चलते दो लोगों को इतना पीटा गया कि उनकी एक की मौत हो गई और एक गंभीर हालत में जख्मी है। एक तस्वीर मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल से, मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेकर हैं, जो बताते हैं कि यह वीडियो फेक है या फिर असली है। तो ये मोहम्मद जुबैर के हवाले से आपको बता दें, उन्होंने भी एक तस्वीर साझा की है, और ये तस्वीर जो है ये महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र के हवाले से, पुरोगामी महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीर है। इस जलगांव में क्या हुआ है, जलगांव में एक शख्स, एक बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहे थे, और इसी दौरान जो ट्रेन में पुलिस भर्ती के लिए जा रहे युवाओं ने उन पर गोमांस को लेकर उन पर इस यह शक था कि वह गोमांस लेकर जा रहे, और इसी शक के चलते उन्होंने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की है जिसको आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर जो है यह हरियाणा की है, हरियाणा के चरखी दादरी की, और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र की। दोनों प्रदेशों में किस प्रकार से लोगों के अंदर गुस्सा, सांप्रदायिक नफरत देखने को मिल रही है। मात्र और मात्र गोमांस के शक के चलते ही इन्होंने लोगों को पीटना शुरू कर दिया, और यह भी नहीं देखा जा रहा है कि उनकी क्या उम्र है। बता दें कि जलगांव में जो शख्स अपने बेटी से मिलने जा रहे हैं, उनका उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है, वह काफी उम्रदराज शख्स मालूम होते हैं। नाम अशरफ मुनियार है और जलगांव के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के धरती पर, जिस महाराष्ट्र को फुले शाहू बाबा साहब की धरती कही जाती है, जहां पर कानून व्यवस्था के लिए जिस महाराष्ट्र को पहचाना जाता है, जिस महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे न्यायप्रिय राजा पैदा हुए, उसी राज्य में जब युवा नौकरी के लिए जाते हैं, और ये पुलिस भर्ती के लिए जा रहे थे, आने वाले समय में वह पुलिस बनेंगे, और उन्हीं के माध्यम से ये तस्वीरें सामने आ रही है कि वह ना न्यायपालिका को बख्श रहे हैं,
नया पुलिस प्रशासन का उनको डर है, वह कैसे गुंडाई कर रहे हैं। तो अब महाराष्ट्र ऐसे पुलिस कर्मियों को देखेगा जो गुंडागर्दी करते हैं बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के सीधे हाथापाई पर उतर आते हैं और उम्र भी नहीं देख रहे। ये तस्वीरें मोहम्मद जुबैर के हवाले से, जो कि महाराष्ट्र के अंदर जो घटना सामने आई है उस घटना की। तो लगातार गोमांस के चलते मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यह इस देश के लिए, जिस देश के अंदर लोकतंत्र है, जिस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, उस देश के तमाम लोगों को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं कि मात्र और मात्र आप शक है कि उनके पास में गोमांस है और उसके बाद ही इस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, इस प्रकार से बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, यहां तक कि एक शख्स की मौत भी हो गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और इन 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने की ठान ली है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और साथ ही बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल, इनके माध्यम से लगातार इन 10 सीटों का मुआयना हो रहा है, लगातार इनकी समीक्षा हो रही है, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से मंगाई जा रही है। लगभग सभी सीटों पर कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के फाइनल हो गए हैं। हाल ही में बता दें कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से होने जा रहा है, जो कि कल होगा। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा ऐलान, कल के कार्यक्रम की तैयारियां जारी है। कल फूलपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, तो फूलपुर उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल करेंगे और बता दें कि हम मुख्य अतिथि होंगे। और इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने शिव बरन पासी इन्हें टिकट दिया है। यह फूलपुर विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जिसका कार्यकर्ता सम्मेलन कल होने जा रहा है। इसी के साथ एक तस्वीरें आपको दिखा दे, यह तस्वीरें आप देखिए, यह तस्वीर है उज्जैन की, जहां पर ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीर है और यहाँ मौसम बदला, बारिश आई, तूफान आया और जब आंधी तूफान आया तो जिस प्रोजेक्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, प्रोजेक्ट पर 856 करोड़ रुपया खर्चा किए और उसका लोकार्पण किया और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए, तो महादेव की तस्वीरें, भगवान भोलेनाथ की तस्वीरें कैसी पड़ी हुई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह तस्वीरें आप देखिए, जिनका अपमान फिर से इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जा रहा है। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से थी, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका स्टैचू, जो कि बहुत ही घटिया और कम दर्जे के मटेरियल के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया गया था और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। हालांकि उस भ्रष्टाचार के चलते भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांग ली है, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली है, लेकिन लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से, वह भारतीय जनता पार्टी कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, बता दें कि लगातार लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम भाजपा कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर यहां पर ये बताया गया है कि सिर्फ आधे घंटे में जब आंधी और तेज तूफान आया तो ऐसे में महाकाल लोक में स्थापित सप्त ऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां जो है वह गिरकर टूट गई। तो यहाँ सप्त ऋषियों की तस्वीरें हैं, सप्त ऋषियों की यह मूर्तियां हैं जो कि एक आंधी तूफान से ही टूट गई और ये गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लगातार हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि यह कैसा निर्माण कार्य है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये NDTV के हवाले से है। NDTV ने यह बताया है कि यह जो वीडियो जारी किया है NDTV ने, यह वह सड़क है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जाता है।
और इसका ठेका भी गुजरात के वडोदरा के रहने वाले शिवम कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। और वहां वडोदरा से रहते हुए भी स्टेचू ऑफ यूनिटी तक जाते समय राजली क्रॉसिंग के पास ये नवनिर्मित जो सड़क है वह बह गई। और नागरिकों का, लोगों का यह आरोप है कि इस सड़क निर्माण में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो लगातार सारे के सारे निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े जा रहे हैं। याद दिला दें कि देश के अंदर जो नवनिर्मित एयरपोर्ट है वो भी लीक हो रहा है, संसद भी पानी से भरी जा रही है, सड़कें जो है वो बारिश से बहते हुए नजर आ रही हैं। और इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज की जो स्टैचू बनाया गया था सिंधुदुर्ग में, वहां चूर चूर हो गया है और वहीं पर लोगों की भावनाएं भी चूर चूर हो चुकी हैं। और सप्त ऋषियों की तस्वीर आपको दिखा रहा है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर सप्त ऋषियों में से 7 में से 6 ऋषियों की जो मूर्ति है वह पहली आंधी और तूफान से गिर कर लोटपोट हो गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यही ये तस्वीरें सब वायरल कर की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। पूछा जा रहा है सवाल देश के प्रधानमंत्री से और ये बताया जा रहा है कि बसपा का कार्यकाल देखिए, बसपा का निर्माण कार्य देखिए। भले ही बसपा के निर्माण कार्य पर अखिलेश यादव ने अपना नेम प्लेट लगा लिया हो, भले ही नाम बदल कर अम्बेडकर पार्क को बदल कर शहीद मिश्रा पार्क किया, जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया गया हो, लेकिन उसकी बनावट, उसकी मजबूती को देखिए, वह आज भी वैसे ही है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क देखिए, और लखनऊ के अंदर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी निर्माण कार्य बहुजन समाज पार्टी ने किया, कॉलेजों का, अस्पतालों का, स्टेडियम्स का, और तमाम निर्माण कार्य देखिए, वह कितने, कैसे गुणवत्ता उसकी रही और कैसी मजबूती उसकी रही। भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से सीखना चाहिए। आज भी बहुजन समाज पार्टी ने जितना भी निर्माण कार्य किया, आज उसकी मजबूती देखिए और लोग आज भी उसे देखने आते हैं। यही उसकी खूबसूरती है, यही उसकी मजबूती है, जो कि आज भी वह तूफान आए, बारिश आए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वह निर्माण कार्य वैसा ही बना हुआ देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ बता दें कि एक बड़ा फेरबदल हुआ है और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव आयोग से कहा कि यह तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में डर गई है? बहुजन समाज पार्टी और इन लोग का गठबंधन है हरियाणा के अंदर, और इस गठबंधन से कांग्रेस के अंदर भी बड़ी काफी उथल पुथल मची हुई है। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, इनका झगड़ा अब सबके सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने SC ST के उपवर्गीकरण के मामले को लेकर भी बयान जारी कर दिया था और उसका स्वागत भी कर दिया था, लागू करने की बात भी कह दी थी। और उसके बाद से दलित और आदिवासी, खासकर SC ST के जो लोग हैं, वह अब भाजपा से भी नाराज हैं। और कांग्रेस में जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा की को सामने किया जा रहा है और कुमारी शैलजा इन्हें पीछे कर दिया जा रहा है और उनके विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है, इससे भी दलित समाज जो नाराज है, जो इसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि अब SC ST के जो वोटर हैं वह वापस अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पास लौट जाए। इसी के साथ साथ वहां पर इन लोग के साथ गठबंधन है और इन लोग और बहुजन समाज पार्टी एक नया समीकरण क्रिएट करेगी, ऐसे आसार देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग से हरियाणा में चुनाव आयोग से कहा गया कि अब जो 1 तारीख को चुनाव होने जा रहे थे वह 1 को ना हो बल्कि 5 अक्टूबर को हो, जिसकी अपडेट भी आ गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये खबर जो है यह राजस्थान से है। राजस्थान के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान सिंह बाबा, इनके हवाले से उन्होंने बताया कि जोधपुर में फिर नाबालिग बालिका के साथ रेप की घटना 1 महीने में 5वीं घटना नहीं रुक पा रही है। नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाएं, अपराधियों में पुलिस का भय हुआ खत्म, सरकार ठोस कदम उठाए, युवा पीढ़ी भटकाव की ओर, परिवार बच्चों को सही परवरिश व शिक्षा दे तब रुकेगी ये घटनाएं। तो भगवान सिंह बाबा इन्होंने एक बड़ी बात कही है। सबसे पहले उन्होंने जोधपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हुई रेप की घटना को लेकर
ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा यह पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं और ये घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं पुलिस का जो भय है वह प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। जो अपराधी है उन्हें पुलिस का डर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि युवा भटकते हुए जा रहे हैं, परिवार के लोग अपने बच्चों को सही परवरिश दे तब जाकर ये रुकेगा, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी। ये बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष इनके हवाले से कही जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि हसदेव जंगल की फिर से तस्वीरें सामने आ गई हैं। लगातार हसदेव जंगल की कटाई चल रही है और इस कटाई को लेकर बहुजन समाज के लोग, खासकर आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वह इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये विरोध करने जाते हैं तो सरकार इन पर गोलियां बरसाती है। आज की तारीख में हसदेव को बचाने के लिए फिर आदिवासी समुदाय जो है वह सड़कों पर उतर आया है, हसदेव को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन सरकार क्या करे, सरकार आदिवासियों की बात नहीं सुन रहा, क्योंकि हसदेव यह बिक चुका है और यह अब अदानी अंबानी की बपोती बन गया है। और यही कारण है कि लगातार आदिवासियों का सेग्रीगेशन भी हो रहा है, आदिवासियों की पिटाई भी हो रही है, आदिवासियों पर गोलियां भी चलाई जा रही हैं। और आदिवासी जो है वह अपने प्रकृति को बचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। और फिर से तस्वीरें सामने आ रही है कि हसदेव जंगल को बचाने के लिए, हसदेव को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में फिर से सड़कों पर उतर आ रहा है, हसदेव को बचाने की मांग कर रहा है। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय।